अनुज जी, क्या लग रहा है गोल्ड बेचने का सही समय है? 60,000 के आसपास है, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, काफ़ी टाइम से 60,000 के आसपास सस्टेन कर रहा है, और अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो $1970 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे रहा है। तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए सेंटीमेंट थोड़े से नेगेटिव हुए हैं गोल्ड के लिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम जो है वो लोअर लेवल्स पर खरीदारी का है। तो अगर करंट रेट पर ये ट्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 60,200, 60,300 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से हमने 2 दिनों में एक रिकवरी देखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन डिमांड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड में आ सकती है, तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूंगा कि बाय का ही ट्रेड देखने को मिले, बाय का ही ट्रेड आप लेके जाएं, क्योंकि कल हमने जो रिकवरी देखी है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। तो सेफ हेवन के डिमांड के तौर पर मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको गोल्ड और सिल्वर में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरा गोल्ड में बाय कॉल रहेगा, करीबन 59,700 में खरीदारी करें, 59,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 60,300 तक देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर में भाव 60,300 या 60,500 के आसपास तक जाते हैं, करीबन 1980 1985 डॉलर के आसपास तक, तो वहाँ पर बिकवाली का ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि $2,000 जो है अब एक स्टिप रेजिस्टेंस बन गया है, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट के लिए ब्रेक करने में टाइम लगेगा। बट हाँ, डेफिनेटली मार्केट एक रेंज में रहेगा और एक सेफ हेवन के तौर पर लोअर लेवल पर खरीदारी भी देखने को मिलेगी।